अगर आपको लगता है कि आपका नया लैपटॉप बहुत तेज चलता है तो एक बार फिर सोचिए, क्वांटम कंप्यूटर किसी भी आम कंप्यूटर से करोड़ों अरबों गुना तेज चल सकते हैं। ऐसा पहला, सबसे तेज, सबसे छोटा और आम लोगों की पहुंच में आने वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ आजकल बहुत तेज हो गई है। क्वांटम रेस कैसे हो रही है, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्वांटम कंप्यूटर उन आम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। शायद आपने बिट्स के बारे में सुना हो, यानी वो इकाई जिसमें आम कंप्यूटर जानकारी जमा करते हैं। 0 और 1 के सेट में ये किसी भी टेक्स्ट, फोटो, नंबर या वीडियो को स्टोर करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की सबसे अलग बात तो यही है कि इसमें जानकारी बिट्स में नहीं बल्कि क्यूबिट्स में स्टोर होती है। 0 और 1 की कोई सेट पोजीशन नहीं होती, बल्कि ये दोनों हो सकते हैं या 0 और 1 के बीच कहीं भी हो सकते हैं। इस गुण को वैज्ञानिक सुपरपोजिशन कहते हैं। चलिए इसे सिक्के की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सिक्का हवा में उछाला, जब तक वो वापस जमीन पर नहीं गिरता तब तक जैसे चित और पट के बीच घूमता रहता है, क्यूबिट्स वैसे ही होते हैं। जब सिक्का गिर जाता है तो या तो चित और या पट साफ दिखता है, बिल्कुल बिट्स के 0 या 1 के जैसा। सुनने में तो बड़ा हाईटेक है, लेकिन इससे फायदा क्या है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटर हो तो शायद आपको थोड़ी मायूसी हो। फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर्स को लोगों के आम इस्तेमाल के लिए बनाने पर काम ही नहीं चल रहा। ये अब भी बहुत बड़े हैं और बहुत शोर करते हैं। अभी क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कठिन रिसर्च और डेटा साइंस में होता है। ऐसा इसलिए कि ये कंप्यूटर अपनी क्यूबिट्स की क्षमता का इस्तेमाल कर अनगिनत कैलकुलेशंस को एक साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 300 क्यूबिट्स के साथ क्वांटम कंप्यूटर्स एक पल में जितनी गणनाएं कर सकते हैं वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कणों से भी ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे लिए बहुत काम के साबित होंगे। कुछ कहते हैं कि इससे हम क्लाइमेट चेंज को बेहतर समझ पाएंगे, वहीं कुछ का कहना है कि इससे नए अणुओं की खोज हो सकेगी। नए मॉलिक्यूल, नई दवाएं बनाने में खास तौर पर बहुत काम आ सकते हैं। नई और बेहतर दवाएं बनेंगी और बीमारी को भी जल्द से जल्द पकड़ने में क्वांटम कंप्यूटर से क्रांति आ सकती है। यानी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा डेटा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हों वहाँ क्वांटम कंप्यूटर से ज़रूर फायदा होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर साइबर सुरक्षा के जानकारों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं। कुछ को लगता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आज तक की सबसे आधुनिक क्रिप्टोग्राफी को भी तोड़ सकते हैं। यानी आजकल हमारी मशीनें और ऐप वगैरह में जितना भी इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है वो सब बेकार हो जाएगा। वैसे अभी तो ये डर ही बेमानी है। अभी क्वांटम कंप्यूटर जैसे हैं वो ऐसा कुछ करने लायक नहीं है। ज्यादातर को टेक कंपनियों और रिसर्चरों के लिए प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया है। इस पर नए सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम को टेस्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलकर गलत हाथों में पड़ जाए तो कोई भी साइबर दुनिया में लगे किसी भी ताले को तोड़ यानी डीक्रिप्ट कर सकेगा। मतलब कोई भी पासवर्ड या कोड आपके किसी भी खाते को बचा नहीं पाएगा। अपराधियों के हाथ लगने पर वो इसका इस्तेमाल करके लोगों से लेकर सरकारों तक की संवेदनशील जानकारी को सेकंडों में हैक कर सकते हैं। हैकिंग हो गई तो आप समझ ही सकते हैं कि पावर प्लांट से लेकर बिजली की सप्लाई हो या टेलीफोन का कनेक्शन या कुछ भी बड़ा और खतरनाक, सब संभव होगा। हालांकि ये सब अभी हकीकत से थोड़ा दूर लगता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर इतनी जल्दी इतने आम नहीं होने जा रहे। कहते हैं ना कि वक्त आने में वक्त लगता है। सन 1943 में पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनने से स्मार्टफोन बनने में आधी सदी निकल गई। आजकल तकनीक काफ़ी तेजी से बदल रही है, फिर भी एक छोटा क्वांटम कंप्यूटर आपके और हमारे हाथ आने में 21वीं सदी भी आधी बीत ही जाएगी।